टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में एक बार फिर MIM की बॉडी तैयार की गई है। इसमें सैफ पठान को कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मुंबई प्रेसिडेंट फयाज अहमद खान के मुंबई ऑफिस पर मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के दौरान ये जिम्मेदारी दी गई है, मगर इस मीटिंग में पद देने के दौरान MIM में आपसी मतभेद यानी मनमुटाव हो गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि हाजी मजीद ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद मांगा था, मगर उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद देने की बात सामने आई। हाजी मजीद ने ये पद लेने से मना कर दिया। हम आपको पहला लेटर दिखाते हैं जिसमें हाजी मजीद को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया था, मगर इन्होंने पद लेने से मना कर दिया, जिसके बाद दोबारा लेटर बनाया गया जिसमें से हाजी मजीद का नाम हटा दिया गया। इस तरह से MIM में आपसी मतभेद हो रहे हैं। हालांकि अब जानकारी ये भी मिल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद हाजी मजीद को दिया जाए, इस तरह की चर्चा ऊपर लेवल में हो रही है। सैफ पठान को कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है और शाह आलम को जनरल सेक्रेटरी, इब्राहिम अशरफी और जावेद सिद्दीकी जिलानी फारूकी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा कादर मेमन, अजीजुर रहमान को ब्लॉक प्रेसिडेंट और लिसान अंसारी को मीडिया इंचार्ज बनाया गया है, जबकि अदनान शेख, इमरान पठान, शब्बीर शेख, असद पठान, गफ्फार शेख, मुसीर खान, इन लोगों को अलग अलग पैनल के अध्यक्ष बनाया गया है। मगर ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या हाजी मजीद को कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जाएगा या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।